अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखो मैं एक बात सब लोगों से बताना चाहूँगा कि कोई कितना भी दुनिया का इल्म सीख लेगा और क्या भी सीख लेगा, तो दुनिया में सबसे आला वो अफजल अव्वल व आखिर किताब अल्लाह के कलाम है। सबसे आला इल्म जिसके अंदर हर चीज़ की तहकीक, हर चीज़ की दास्तान बता दिया गई। कुरान जो समझ के पढ़ेगा उसके लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं समझ के पढ़ेगा उसको क्या है फिर, तो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ बोलेंगे उसको। और जो लोग कहते कि हम जादू टोने को नहीं मानते, तो उनको ये जहन में बात बिठा लेना चाहिए कि कुरान के अंदर बार बार जिक्र आगा जादू टोना क्या है, कैसे चलता। बहुत ही गलीज और बहुत ही ख़राब चीज़ है कि जो इंसानों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती, वो भी ऐसे अंदाज में कि बयान नहीं कर सकते। इतनी ख़तरनाक चीज़ है जादू टोना। इसलिए तो कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह फरमाता है कि वो लोग ख़राब है जो जादू टोना सीखते हैं और सीख कर एक दूसरे के ऊपर चलाकर मियां बीवी में फूट डाल देते हैं, दराज डाल देते हैं, तलाक तय करा देते हैं। ये जितनी भी दास्तान है ये सब बताने वाली है कि पत्थर की लकीर है। इंसानियत के भले के लिए अल्लाह ने उसकी कलाम इलाही को नाजिल फरमाया है। और सबसे अहम और सबसे अहम बात मैं ये बताऊँगा कि जब वो है तो उसका तोड़ भी तो बता दिया गया है ना। उसका तोड़ ये है कि तुम जब कैसे नहीं मानिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या हुआ था, आपकी जुल्फ़े मुबारक ली जाकर उस हबशी जादूगरनी ने कुएं के अंदर डाल दिया था। और कुएं के अंदर डालने के बाद अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, फिर जिब्रील अमीन आए, फिर जिब्रील अमीन ने वो निकाले, वो तो सब आपको वाकया पता ही है। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरे नबी आप पढ़ते जाओ सूरह फलक नाजिल हुआ, चारों कुल नाजिल हुआ, सूरह फलक आप पढ़ते जाओ, मैं जादू काटता जाऊँगा। तो ये जादू के तोड़ के लिए तुम्हें जो है अल्लाह का किताब, जो अल्लाह का कलाम है सबसे आला हुआ, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तुम्हारे घर में कोई शैतान जिन शैतान परेशान कर रहे तो सूरह बकरा पढ़ो। जादू टोना तुमको परेशान कर रहा तो सातों चारों खुल और आयतल कुर्सी सात सात बार पढ़ो। ये सब चीज़ें तुम ज़्यादा से ज़्यादा अमल करोगे तो क्या होगा, सब कटते जाएंगे, कट जाएगा तो तुम इससे नजात मिलेंगी। और नहीं तो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते तुम जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा तुम खुद ही घर होके ख़त्म हो जाएंगे। किसका क्या जाने वाला है, नहीं मानते मत मानो, लेकिन तुम ही खुद तबाह बर्बाद हो जा रहे हो ना। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हदीसों को पढ़ो, हदीस में और कुरान में क्या बताया गया। तुम कुरान के अंदर सारे बातें तफसीर के साथ मैंने बताया, तफसीरें अगर देखना है तो तफसीर कुरान उठाओ और उसके हिसाब से उसके मायने पढ़ के समझो। हर वो चीज़ पर हमारा ईमान है, हमने अल्लाह के पैगंबरों पे भी ईमान लाए, हमने वलियों पर भी ईमान लाए, शैतान भी है हमारा ईमान है, और हमारा ईमान है जिन्नात भी है, जादू करना भी। अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ का इनकार करेंगे तो फिर क्या होगा, हम पर फतवे लग जाएंगे, हम खुद ब खुद इस्लाम से खारिज होते जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि समझो और समझ कर अमल करो। जितना ज़्यादा तुम अमल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है अल्लाह के। पूरी ताकत लगा जोर से, हाँ और जोर से, क्यों बच्चे को परेशान कर रहा तू, कौन लेकर गए थे उसके बाल जादू चलाने को, बोल सब मालूम है मुझे, नाला तेरी जवानी पूछूंगा मैं, झगड़ो उस कुत्ते से सही, काट के भस्म कर दूं, क्या करूं तुझे बोल। कहां से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कहां से लाए थे, जलाओ जरा उसको तेजी जलाओ, छोड़ते तुझे, तुझे पूरा मार के भस्म करेंगे। हाँ जोर से और जोर से, यहाँ तक आगे आके बैठो तब पानी पिलाते रहना, तोड़ दे रहे तुम। जकड़ लो उसके हाथ, तेज जकड़ो, काट डालने की तैयारी करेंगे, बोल क्या करना, बोल तेरे साथ क्या सुलूक करना, बच्चे के घर में और किस किस को परेशान कर रहा था तू, और किस किस को परेशान कर रहा था,
उसके माँ बाप बहन भाई किस किस को परेशान कर रहा था? और बोल। अच्छा जादूगर ने बोला तुझे नहीं बोलना बोल के? हाँ क्या बोला उसने? किसी के सामने सवाल जवाब मत कर बोला ना लाए। तुझे भी तेरे जादूगर को भी दोनों को बाटल डाल के जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ चल बोल जल्दी। जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ जकड़ के तेजी से। पूरा भस्म कर देंगे। हाँ बोल। चल ये बच्चे को कब मारने वाला था? कब मारो बोले थे? अम्मास में कुंडम में। कहाँ से लाए थे तुझे? कहाँ से? शमशान से या कब्रस्तान से? जितनी टट करेंगे उतनी मार पड़ेंगे। अभी मैं बुला रहा हूँ मारने वालों को, जंजीरा वालों को। बहुत बुरा मारेंगे उन्होंने को, जंजीरा डाल के बुलाओ अंदर। पूरा गिड़ा के मारेंगे पूरा। इससे बोल खाता मार बुलाऊ फिर। चल जल्दी बोल, इतनी मार काफी है तुझे, फिर जल्दी बता सही सही। ये बच्चे को मार देने वाला था? हाँ हाँ या ना? हाँ या ना? पानी पिलाओ उसको, नाला आपको। गिरने मत दो, गिरा नहीं होंगे। इतनी करके गिरा दे रहा कम बखत। पेट में से आग लगाओ उसके तेज से। जिन्नात है तू, मरे वाला इंसान है? कौन है? कौन है? हबीस है, जिन्नात है, शैतान है, कौन है? कौन है? मुझे जितना गुस्सा आएगा तुझे उतना भस्म करूंगा मैं। जल्दी बोल कौन है तू? हाँ कौन है? मरे हुआ इंसान है, जिन्नात है, शैतान है, कौन है? जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो। कौन है तू? मरे वाला इंसान है, जिन्नात है, जिन्नात है, मरे वाला इंसान है। कहां से उठा के छोड़ दे तुझे? कब्रिस्तान से या शमशान से? कहां से आया था? कहां से? बोल तुझे छोड़ना कि नहीं छोड़ना? तो पूरा भस्म कर दूं। चल मैं तेरे दो टुकड़े कर देता हूँ, तेरी मुंडी काट के ले लेता हूँ, तेरे घर को बाहर छोड़ देता हूँ, तेरी मुंडी को काट के बाहर टंगा देता हूँ। कितने लोग आ रहे जा रहे सबकी गिनती करते रहना तू, समझ गा? बोल करूँ भस्म? फिर हाँ बोल। क्यों इतनी मार खा रहा हूँ लोगों के वास्ते जिन्होंने तेरे उसके आगे ला के डाले? वो तेरे दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरा दुश्मन नहीं होता। वो लोग तेरे दुश्मन है जिन्होंने इसके अंदर ला के डाले तुझे। तो देख कितने मजे में बैठे आ रहे, सुकून में तुझे मार पड़ रही। आ रहे क्या बचाने को? नहीं आ रहे, बता दे उनके नाम। कौन है वो? हाँ कौन है वो? हाँ बोल। हाँ 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 बोल। हाँ बोल। हाँ बोल। कौन लोग है वहां? बोल किस चीज में खिलाए थे? कहाँ से आया था तू? बच्चे को खुद ब खुद लगा के ला के छोड़े थे? सही से बोल भाई, तो सब देख लूंगा मगर मैं तेरी जवान ही पूछना चाहूंगा। हाँ बोल नाला। हाँ बोल। छोड़ना क्या भसम करना तुझे? सही से बोल। भड़काने का तेजी से आंख बढ़ दूं? बहुत जल्दी टाइम नहीं मेरे पास। कौन है तू? औरत है, आदमी है? कौन है? जिन्नात की, शैतान की, चुड़ैल कौन है? बोल लोगों को ये।
जलाओ, उसके पेट में से आग लगाओ, नालायक के तेज जलाते रहो उसको, इतना मारो उसको, चिल्ला करो अभी फौरी मार मार के। जिन्नात ताकत लगा के बोलती रही पूरी पूरी दुनिया को सुना रहा, छोड़ना नहीं छोड़ना। हाँ जोर से जोर से जोर से पूरी दुनिया को सुने आना। हाँ जोर से, छोड़ना नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ने का सुनने नहीं आ रहा मुझे, क्या करने का छोड़ना है। अच्छा बच्चे कब मारने वाला था, कितना टाइम कितना कितना अम्मा कब कब आ गया, कब मारने वाला था बच्चे, कब मारने वाला था कब से, कब कब मारने वाला था कितना, 6 महीने, 1 महीना, 10 महीने, कितना टाइम बचा था, कितना टाइम, कैसा एक्सीडेंट करके मारो बोले, बीमारी डाल के मारो बोले। हाँ बोल, तू मेरे अंडर में है, तुझे मुझे बोलना ही पड़ेगा सब बात। हाँ मेरे हुकूमत में रहकर मनमाना कर रहा नाला। हाँ बोल, हाँ कैसा मारो बोले, एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के कैसा, हाँ कैसा। अच्छा फिर इसके बाद में और इसी घर में से किसको मारने वाले हैं, और जोरू को हमारे इज्जत पर गुनाह करना, घर में साथ करना, इज्जत गुजर गया, अच्छा उसके जोरू के झगड़े को कौन लगा रहा, मियां बीबी में तुझे लगा रहा था। अलादा जातू, अलादा जातू, कैसा मारने आते, सुन लिए अभी शैतान ने क्या बोला, बोल अब क्या करना तेरे साथ, बहुत खुश होना चाहिए, कहाँ से लाए थे, कब्रिस्तान से लाए थे, शमशान से लाए थे, कहाँ से हाँ कहाँ से लाए थे, जोर से बोल सब कुछ नहीं आना, शमशान से। हाँ सुनो बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा, शमशान से लाए थे, अब नामा वामा दूसरे चक्कर में मुझे सब याद करके आके सुनाना, तो तुझे छोड़ दूंगा नहीं तो तुझे बन के मार के भस्म कर दूंगा, कौन जादू चला रहा, कहां से जादू चल रहा था, कितने लोग थे और किस चीज ने इसको मिला के खिलाए, क्या क्या दास्तान है, मुझे सब याद करके आके सुनाना, अगर सुनाने में जरी भी गड़बड़ी करेगा तो उसे पूरा मार के भस्म कर दूंगा, समझ गया। हाँ और कितने लोगों को मारने वाला, इसके बाद सब याद करके सुनाना, क्या नाम है इसका, सुनार की दुकान से पानी लाए क्या, ज्यादा दाल होगा रात में, अरे क्या हो गया, मैं इतना तो पानी गिर गया आंख पे, हाँ बारिश हो गई क्या, कहाँ से आए थे तुम, बेंगलोर से, ये कौन है बच्चा, बेटा है। अरे क्या हुआ, ये कौन है, क्या हुआ तुम्हारा, कुछ भी कुछ हुआ, कुछ याद है, कुछ भी याद नहीं, तुम्हारे आंग में कुछ शय आई थी और उस शय ने कुछ सवाल के जवाब दी, पहले तो बोल रही थी वो शय के नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोल, उधर से जाते जाना रहे कैमरे वाले के बच्चे साहब, वो शय क्या बोलते तो बोल रही थी कि तुम्हारे आंग में आके कुछ बातें बोली उसने, क्या क्या बोली वो मुझे तो नहीं पता, तुम देख लो उसके अंदर रिकॉर्डिंग में है। दूसरी एक बात कि तुम्हारे अम्मा सुन रहे थे, कौन है भी? नमाज नहीं पढ़ रहे क्या तुम मियां, हाँ कुरान नमाज पढ़ना नहीं हो रहा क्या, हाँ कैसा रहता, कब से मस्जिद को जाना नहीं मालूम, कितने टाइम से, दो ढाई साल से, तो ऐसा रहता है, इस वास्ते मैं बोलता हूँ कि इबादत पहले से करो, इबादत की रस्सी को अगर तुम पहले से मजबूती से थाम करेंगे तो
तुम्हारे पे कोई जादू टोना नहीं चला सकता। चलाया भी तो तुमने अपने आप को अल्लाह के अमान में दे दिया है। अल्लाह तुम्हारी ऐसी अमान करेगा, ऐसी हिफाजत करेगा कि किसका जादू टोना चलने भी नहीं देता, उसका उसके लिए जाके फेंकने लगाने का हुक्म देता, क्योंकि हर चीज तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। तुम अगर बाद में जादू टोना चलने के बाद तुम लोग बोलेंगे हम जाके इबादत करेंगे, तो देखो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में लाइव में एक्सपीरियंस ऐसा काम ही नहीं होता। कोई किताबन कोई कहानियन कोई किस्सा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, लाइव में यहाँ देख लो क्या दास्तान है। शैतान क्या उसको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था 2 साल से, कौन नहीं पढ़ने दे रहा था, अभी जो आम शे हाजिर होती तो अब क्या बात है। अब ये लोग तो समझ रहे होंगे बच्चा परेशान है ये, और अब कैसे यहाँ हाजिर हुए। सबके अलग अलग मसले रहते, किसका पहले चक्कर में आता किसका दूसरे में आते, सब अलग अलग थेरे हैं उसके, सब अलग अलग पार्ट से उस हिसाब से उनको काटना पड़ता जलाना पड़ता। ये इल्म कैसा है, हर मामले में इल्म समंदर है, ये भी तो मामले में इल्म समंदर है ना, तो इसका इल्म दुनिया को नहीं है ज्यादा, खुद कम लोगों में। और कुरान की तफसीरों के साथ पढ़ो, उसके अंदर तुम्हारा को बता दी वाली सारी दास्तान, और ये सब बातों पे तुम अमल करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। देखो मेरे को बोलने को तुम्हारे को कुछ जरूरत नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों को समझाते बैठने को, मगर इस वास्ते समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सिर पर जहाज आ गए वैसे जाते दिखता मेरे बात बोलने के बाद भी तुम लोग अमल नहीं करते। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको जो लाइव देख रहा हूँ मेरे पे भी बता बता के फर्ज बोलो या वाजिब बोलो, हो गया लोगों को बताना एक्सपीरियंस देना, क्योंकि तुम कैसा उसका यूज करेंगे, कुरान तुम्हारे पास कैसा पढ़ेंगे उसको, कैसा वो करेंगे फॉलो तो होंगे अमला। अब बहुत सारे बातें हैं, मुफ्ते अखारे आलिमा हाफिजा भी उन पर भी अनुआ टुन चला है, हर किसी पे चला है, कोई नहीं बचता उससे। बचना है तो सिर्फ अल्लाह कलाम की मदद लेके बचना पड़ता है। और काला जादू एक बात मेरी जहन नशीन कर लेना, काले जादू से नहीं कटता नहीं कटता नहीं कटता। शैतान के पास जख्म दे सकता है शैतान, मगर मल्हम नहीं लगा सकता उस पर, क्योंकि जख्म भरने वाली जो चीज रहती है वो रहमत रहती है, रहमत उसका नहीं है ना, रहमत अल्लाह के पास है ना, अल्लाह के पास से रहमत अजमत बरसेंगे ना, तुमको जख्म भरेगा, उन्हें जख्म दे सकता मगर भर नहीं सकता। तुम बोलेंगे यहाँ जख्म हुआ, या मिसाल बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर यहाँ जख्म हुआ ये जख्म को क्या बोलते तो जाके भरेंगे जादू काले जादू और खुरेदते जाएंगे उन्हें और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते जाएगा जादूगर, क्योंकि जादूगर के पास जाना सख्त मना है, उनको आता भी नहीं अच्छा करने, अच्छा किसी का नहीं कर सकते। सिर्फ अच्छा होता अल्लाह के कलाम से, अल्लाह का कलाम दबा के पढ़ो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। फिर इससे पहले मैंने तुमको बता दिया कि मौत से पहले 2 मौत रखे आ रही है, एक मौत शहादत की है और एक मौत हराम मौत है। अल्लाह ने फरमा दिया शहादत के करीब जाओ अल्लाह बहुत खुश हो जाता, और हराम मौत के करीब मत जाओ अल्लाह नाराज हो जाता। ये भी तो मौत से पहले 2 मौत रखे आ रही है। सूरह अली इमरान की तफसीर पढ़ो, सूरह बकरा की तफसीर पढ़ो, तो तुमको समझ में आएगा। और बहुत सारा है बोलने को मगर मैं इतना नहीं बोलूंगा, इन शॉर्ट बता दिया बस। चलो ठीक है, कहाँ से आए थे? बेंगलोर से। बेंगलोर से। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो।